सर आ गए आप मीटिंग से, आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दो, चाय कॉफी क्या लेंगे आप? साहिबा साहिबा, अरे उसे क्यों बुला रहे हो, मुझे बता दो मैं मंगवा देती हूँ। तुमने एकदम चुप रहना, जो भी बात मैं उससे करूँगा ना उसके बीच में बिल्कुल ही मत बोलना, बिल्कुल शांत रहना और चुपचाप सुनना, ठीक है? साहिबा साहिबा, पर हुआ क्या है सर, बताओ तो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, बस तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। जी साहब, आपने बुलाया। साहिबा, हम तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं? साहब 10,000। 10,000? साहब क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, कोई गलती वलती नहीं हुई तुमसे, बस कल से ना तुम्हें 10,000 पगार नहीं मिलेगी, पूरे 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी हर महीने। 20,000 रुपए? वो किस लिए साहब? दरअसल साहिबा बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें 20,000 रुपए सैलरी दूंगा ना तो मेरा 40,000 रुपए का फायदा होगा। मेरे सीए ने मुझे बताया कि जिसके नौकर की सैलरी 20,000 रुपए होगी ना उसका हर महीने 40,000 रुपए का टैक्स माफ होगा। अगर वही मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए पगार देता रहूंगा ना तो 40,000 रुपए तो मुझे टैक्स में भरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है ना कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए पगार दूं और हर महीने 40,000 रुपए का फायदा करूं अपना। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम अपना काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मालिक आपको हमेशा खुश रखे। सर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने उस काम वाले की सैलरी 10,000 से 20,000 बिल्कुल डबल कर दी और मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ, आपने पिछले 3 साल से मेरे 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया है और उसकी डबल ये भेदभाव मिलाई के साथ कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे सोनिया क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सर ऐसा आप कैसे कर सकते हो, आपने उसकी सैलरी डबल कर दी, ऐसा उसने क्या काम कर दिया है जो उसकी सैलरी आपने डबल कर दी, आप मुझे बताओ ये टैक्स का क्या मसला है, आप मुझे पागल बना रहे हो ना सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात तुमको पता है और मुझे पता है कि ऐसा करने से ना कोई टैक्स वैक्स नहीं बचता, लेकिन साहिबा को तो नहीं पता ना। आप क्या करना चाहते हो सर, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओगे मुझे? तो बात ऐसी है, उसको ना पैसों की जरूरत थी तो मैंने जानबूझकर उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसको पता भी ना चले। लेकिन सर आपको कैसे पता कि उसको पैसों की जरूरत है? कल जब मैं घर से ऑफिस आया ना। हेलो, क्या आपकी नौकरी चली गई? आप बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, घर का किराया कैसे देंगे, मैं अकेले कितना करूंगी? मेरी जो सैलरी मिलती है उसमें मैं माँ का इलाज करवाती हूँ, बच्चों कुछ पैसों में मैं घर का राशन पानी करती हूँ, अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर का फोन आया था कि जल्द से जल्द माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, माँ के ऑपरेशन में 50,000 रुपए लग रहे हैं, मैं हर महीने 3,000 करके पैसे जोड़ रही हूँ कि ताकि माँ का ऑपरेशन हो जाए, अब मैं कैसे क्या करूँगी, कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, माँ का इलाज कैसे होगा? और हाँ, बच्चों की 2 महीने से स्कूल की फीस भी नहीं गई है, इस महीने अगर फीस नहीं भरी मैंने तो मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, उनका नाम काट देंगे स्कूल वाले, मैं साहब से अब 1 रुपए भी नहीं ले सकती, साहब के वह पहले ही मेरे ऊपर बहुत एहसान है, उन्होंने मुझे 30,000 रुपए दिए थे, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं साहब से नहीं ले पाऊंगी, आप ही कुछ करो, मुझे नहीं पता, आप ही कुछ करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। भगवान अब तू मेरी कुछ मदद कर। तो इसलिए जानबूझकर मैंने उसकी पगार बढ़ा दी ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। उसकी सैलरी सीधा क्यों नहीं बढ़ा दी, ऐसे टैक्स की बात घुमा फिरा के उसकी सैलरी क्यों बढ़ाई? हमें किसी की हेल्प इस तरीके से करनी चाहिए कि उसकी हेल्प भी हो जाए और उसको पता भी ना चले। अगर वो चाहती तो मेरे पास आकर पैसे मांग सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती ना कि किसी का एहसान ले, वो अपने हक की कमाई खाना चाहती है और इस तरह से उसको ऐसे लगेगा कि मैंने अपने फायदे के लिए उसकी पगार बढ़ा दी। सर आप ग्रेट हो, आपने जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे ऑनर मिले और मुझे आपकी कंपनी में काम करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचते हैं और उनका इतना ध्यान रखते हैं। ठीक है सर, फिर मैं आपकी चाय का ऑर्डर दे देती हूँ। क्या ऑफिस के ऑनर ने अपने यहाँ पर काम करने वाली एम्प्लॉय के साथ सही किया, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और पेज को फॉलो ज़रूर करना दोस्तों।